ओके हाय, तो हम कर रहे हैं चैप्टर वन का सेकंड वीडियो है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था की फीचर्स ऑफ साइंस, उसमें छह पॉइंट्स हैं। प्रोज पी प्रेडिक्टिबिलिटी, आर रेप्लिकेशन, ओ इज व्हाट इज ओ, टेल मी ऑब्जेक्टिविटी, एंड फिर एस इज साइंटिफिक एविडेंस एंड सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन, ई इज एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल मीन्स बेस्ड डेटा जो एक्सपेरिमेंट करने से आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पक्का आने वाला है, उसमें छह बातें दी हुई है, सात और छह, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ छह है आठ, बट दो और बातें दी हुई है, छह थेरीज दी हुई है उसमें। तो पहला दिया हुआ है कि इट्स स्टडीड एज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी एंशियंट ग्रीक के टाइम पे, 1870s में इट बिकेम टिल 1870s इट वॉज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी एंशियंट ग्रीक्स का। देन सेकेंड दिया हुआ कि 1879 में विलियम मंट ने यू नो दैट अपना वीडियो स्टार्ट अपना लैब स्टार्ट किया था, वीडियो मैं बता रहा हूँ सॉरी लैब स्टार्ट किया था जर्मनी में लेप्ज़िग यूनिवर्सिटी में। सो दैट वॉज द ऑफिशियल स्टार्ट, द फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजिकल लैब इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है छह थिंग, स्ट्रक्चरलिज्म, कॉन्शियस के दो थेरीज, अनकॉन्शियस, कोई कहता है कि कॉन्शियस ब्रेन को चेक करो, कोई कहता है साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस ब्रेन को चेक करो, किसी को जानना है तो है साइकोलॉजी अबाउट नोइंग अदर्स, राइट। तो उसका कॉन्शियसली ब्रेन चेक किया तो विलियम वंड ने कहा कि यू कैन स्टडी द कॉन्शियसनेस, तो स्ट्रक्चरलिज्म नाम दिया है। दूसरा है फंक्शनलिज्म, वो विलियम वंड था, फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स है, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने यूएस में पहला कोर्स स्टार्ट किया, तो ही बिकेम द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। सो ही सेड कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को चेक करना ज़रूरी है। ओके, दैट्स इट। तो अब ये इसके बारे में लास्ट जहाँ पे क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है हल्का सा। ओके, नेक्स्ट, फिर एक बंदा कहता है कि नहीं नहीं कॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस ज़रूरी है, सिगमंड फ्रायड, नॉट फ्रीड, फ्रायड, साइकोएनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। तो ये तीन वीडियोज बोल रहा हूँ, पॉइंट्स आ गए सॉरी। फिर आ गया एक बंदा बोलता है नहीं बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, तो वो वॉटसन है ना बिहेवियर, तो इसमें और कौन सा पॉइंट है बिहेवियर में, ये सैड नहीं कॉन्शियस अनकॉन्शियस जरूरी नहीं है, बिहेवियर से यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सन। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कार्ल रॉजर्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि ये अब इट इज़ अ हिस्ट्री, पहले 1870 में वो चला, फिर फंक्शनलिज्म चला, तो टिल 1950 20th सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट में साइकोएनालिसिस चला था, सेकंड पार्ट 20th सेंचुरी में 1950 से लेके 2000 तक, फिर कार्ल रॉजर साहब आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट, उसमें आप ये फ्रेजेस अंडरलाइन करिए कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डिपेंड्स ऑन फ्री विल, आई हैव नथिंग टू ग्रो, एवरीबॉडी वांट्स टू ग्रो, उसका ऑब्जर्वेशन बिहेवियर छोड़ो, वो बंदे को टाइम दो, मौका दो, वो ग्रो होगा। तो स्टडी ऑफ द पावर ऑफ फ्री विल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, एंड हर बंदा सोचता है कि सेल्फ एक्चुअलाइज करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये थ्री पॉइंट्स फेजेस आपको लिखने ही लिखते हैं, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वो उसमें अंडरलाइन करिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 304 में, बिकॉज एग्जाम में यही लिखना है, इतना ही लिखना है। वीडियोस बड़े प्यारे प्यारे लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं, अच्छे लोग हैं, बट उनको ये नहीं पता कि भाई बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट हूँ तो मुझे एग्जाम में लिखना है और क्या लिखना है। अभी मैंने कल प्रीलिम के पेपर चेक किए, आई एम लिंक विथ मेनी कॉलेजेस एक्सक्यूज मी, तो वहाँ पर सब बंदियों की यही प्रॉब्लम है कि पता क्या लिखें, भर भर के लिख रहे हैं, अपने वर्ड्स में नहीं लिखना है, या फ्रेज लिखिए हर एक पैराग्राफ में, बहुत कम वर्ड्स में आपको लिखना होता है, एग्जाम में टाइम कम होता है और वर्ड्स भी कम होते हैं, है ना। लास्ट पॉइंट है कॉग्निटिविज्म, ये नए ज़माने की चीज़ आ गई है 1950s 1960s में, जहाँ मशीन्स यूज़ करते हैं, MRI PET लिखा हुआ है। ओके, दे स्टडी द हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, इससे मालूम पड़ता है बंदा कौन क्या कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए आपके आठ पॉइंट्स, पहला है फिलोसफी, सेकंड है इट बिकेम अ स्ट्रक्चर्ड साइंस, थर्ड है स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, देन यू हैव बिहेवियर,
मैकेनिज्म एंड देन वो बिहेवियर के बाद आता है ह्यूमनिस्टिक, और ह्यूमनिस्टिक के बाद आ जाएगा साइकोलॉजी। यस, तो स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनिज्म, कॉन्शियस अनकॉन्शियस में साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म आएगा, फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आएगा, और लास्ट में कॉग्निटिव अप्रोचेस। क्वांटिटेटिव अप्रोचेस में साइंटिस्ट का नाम है नीसर, नाइस, इज नाइस पर्सन, नाइस ईयर, नाइसेस्ट, बेस्ट। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। ओके,